अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉलीवुड शोबिज़ में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, सेलिब्रिटीज का तो ये रिवाज ही बन गया है कि वो अपने फैंस को हर किसी न किसी नई बात से हैरान किए रखते हैं। कभी लॉकडाउन में शादी कर लेते हैं और कभी शादी करके बताते हैं कि हमने शादी कर ली है, और कभी तो खबर फैंस तक काफी देर से पहुंचती है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। इसी तरह से जैसे लॉकडाउन में शादियां हो रही थी, अब फिर से हुई है एक शादी जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले जरूरी है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इस तरह की आने वाली हर नई अपडेट और हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, मशहूर अदाकारा आना लियास ने ये पहले ही अनाउंस किया था कि उन्हें मोहब्बत हो गई है मशहूर दावर महमूद से। दावर महमूद थिएटर का बड़ा नाम है और साथ में यासिर हुसैन के साथ काफी काम कर चुके हैं। लेकिन आमना लियास ने शादी कर ली। उनकी शादी हफ्ते को हो चुकी थी मगर ये खबर बाहर नहीं निकली। फैंस का कहना है कि क्या ऐसी वजह थी कि उन्होंने इतनी खामोशी से इतनी छुपाकर शादी की, हालांकि जब वो अनाउंस कर चुकी थी कि वो उनसे मोहब्बत करती हैं, तो फिर इसमें छुपाने वाली क्या बात थी। उन्हें बता देना चाहिए था और फैंस के साथ अपनी खुशी शेयर करनी चाहिए थी। तो चूंकि अब ये हो गई है खबर लीक, उनकी शादी हुई थी हफ्ते को, हमने आपको ये खबर पहुंचा दी है। दोस्तों, आपका इस जोड़े के बारे में क्या राय है कि क्या इन्हें इतनी खामोशी से और चुपके शादी करनी चाहिए थी? क्योंकि अब तो लॉकडाउन भी नहीं है, वो चाहते तो अच्छे तरीके से शादी करते और फैंस को भी अपनी खुशी में शामिल करते। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनका इस तरह से शादी करना आपको कैसा लगा। मिलते हैं अपने अगले किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।